मल्टीनेशनल कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के अलावा बाकी उसके बोर्ड मेंबर, ये उस कंपनी की स्ट्रेटजी बनाते हैं और प्लानिंग करते हैं। कुछ इसी तरह लड़ाई के मैदान में वॉर की प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, संचालन इत्यादि को हम हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर कहते हैं। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, तीनों सेना के कमांडर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और इसी प्रकार कुछ एक इम्पॉर्टेंट लोग वॉर डिप्लोमेसी और इनसे जुड़े हुए एक्शंस को दिशा निर्देश यानी डायरेक्शन देते हैं। और इंडिया के केस में ये प्रोसीजर साफ साफ नज़र आते हैं, बाकी ऑपरेशन में भी हमने देखा है। और छोटे मोटे डिफरेंसेस के अलावा हर देश में हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर का तकरीबन यही प्रोसीजर रहता है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान में कारगिल लड़ाई के दौरान हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर किस प्रकार किया गया। 1971 की लड़ाई की हार के बाद पाकिस्तान में हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर के स्ट्रक्चर में फेरबदल किया गया, लाजमी है हार के बाद। इसके अंतर्गत जॉइंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, ये प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अंडर काम करने लगी। लेकिन असलियत में जो हुआ उसमें ज़्यादातर आर्मी चीफ ही सही मायने में इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी डिसीजंस के मालिक बने। प्राइम मिनिस्टर भी डायरेक्टली सर्विस चीफ से लिंक रहने में ही इंटरेस्टेड रहते थे, यानी वो बाकी सिस्टम्स को बाईपास कर देते थे। इस वजह से स्ट्रक्चर्स होना या ना होने में खास फर्क नहीं था। और जैसा हम कारगिल के रेफरेंस में देख चुके हैं, आर्मी के अंदर भी स्ट्रक्चर्स को मुशर्रफ और उनके साथियों ने बाईपास कर दिया था। तो क्या असर हुआ इस हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर के शॉर्टकट का? चलिए वापस चलते हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी पर। मान लीजिए कि सीईओ और उसके दो तीन खास आदमी, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को बताए बिना एक मेजर डिसीजन ले लेते हैं, क्या होगा? यही है पाकिस्तान की हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर की कहानी। जब कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तान आर्मी कब्जा कर चुकी थी तो उस समय शरीफ को झांसा देने के लिए ब्रीफिंग में जनरल अजीज, जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, उन्होंने कहा, और मैं कोट कर रहा हूँ, हिंदी में अनुवाद है ये, सर पाकिस्तान को बनाने के लिए कैद यानी मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग को याद किया जाता है। अब अल्लाह ने आपको इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेने का मौका दिया है और आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, कोट क्लोज होता है यहाँ पर। शरीफ को सातवें आसमान पर चढ़ा दिया गया और उन्हें पता भी नहीं चला कि वहाँ से वो कब गिरे, क्योंकि तब उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था। सरताज अजीज मुशर्रफ के एक्शंस से नाराज होकर सही कहते हैं कि एक मिलिट्री कमांडर बिना पॉलिटिकल लीडरशिप और फॉरेन ऑफिस को बताए मेजर मिलिट्री ऑपरेशन करने शुरू कर देता है, जो शिमला अग्रीमेंट और लाहौर प्रोसेस के खिलाफ है और जिसको लगातार मेहनत के बाद हासिल किया गया, और फिर चाहता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप इसके विपरीत नतीजे को संभाले। पाकिस्तान के नेवल चीफ ने भी मीटिंग में मुशर्रफ को साफ साफ शब्दों में कटीले सवाल पूछे। एडमिरल फसीउद्दीन बुखारी ने कहा, और ये कोट है दोबारा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन का क्या मकसद था? क्या हम कुछ उजाड़ पहाड़ियों के पीछे लड़ाई करना चाहते हैं जो आने वाले सर्दियों में वैसे भी हमें खाली करनी पड़ेंगी? पाकिस्तान की हाई डायरेक्शन ऑफ वॉर एक लो लेवल टैक्टिकल एक्सरसाइज की तरह सोची और इम्प्लीमेंट की गई। इसमें ना तो हाई डायरेक्शन थी और ना वॉर लड़ने की सोच। किसी भी वॉर के अनेक पहलू होते हैं, यह हमें मालूम है। मुशर्रफ और उसके साथियों ने इस सब को नज़रअंदाज कर लड़ाई शुरू होने से पहले ही अपने हार की नींव रख दी थी। अगर एक बार फिर हम
इसको एक मल्टीनेशनल ऑपरेशन, मल्टीनेशनल कंपनी के ऑपरेशन से कंपेयर करें तो ये उस सीईओ की सरप्राइज अनाउंसमेंट की तरह होगा, जिसमें एक महंगा प्रोडक्ट वो किसी से पूछे बिना लॉन्च तो कर देते हैं लेकिन मार्केट में कंपटीशन के बारे में सोचे बिना। तो क्या होगा ऐसे प्रोडक्ट का, आप सोच सकते हैं। आपके समय के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम देखेंगे इंडिया की हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर। फिर मिलेंगे।